इतना खूबसूरत प्राइवेट घाट, प्राइवेट पार्किंग और इतना सुंदर एसी रूम मात्र 500 रुपए में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, देखिए गंगा जी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं ऋषिकेश से हरिद्वार, क्योंकि एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमें हमारे मनोज भैया, जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने हमें बताया है। एक ऐसी धर्मशाला जहाँ पर आपको 500 रुपए से एसी रूम शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी जगह उन्होंने हमें बताई है, क्योंकि वो खुद रहकर आए हैं वहाँ पर, और इसीलिए हमें लगा कि इतना अच्छा ऑप्शन हम कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आप इस धर्मशाला को प्री बुक भी कर सकते हैं। तो आप उन्हें कॉल कीजिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप नंबर ज़रूर चेक कीजिएगा, नंबर देंगे। तब तक आप ऋषिकेश में आप अभी गंगा जी के दर्शन कीजिए, फिर हम आपको हरिद्वार के दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं, ये सप्त सरोवर रोड कहते हैं इसे। हमने आपको पहले शांति कुंज और सप्तऋषि आश्रम दिखाया है, तो बिल्कुल शांति कुंज के आप पीछे इसे कह सकते हैं, और सप्तऋषि रोड जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही ये रोड यहाँ पर आता है। और इसके दो रास्ते हैं आने के लिए, एक तो भारत माता मंदिर से आप आ सकते हैं, दूसरा ये अपोजिट साइड से भी आप आ सकते हैं, ये शांति कुंज वाला रोड है। तो देखिए यहाँ पर है ये महाराजा अग्रसेन आश्रम, जिसको जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और हमने रूम्स देख लिए हैं, हमें पसंद आ गए हैं, लेकिन रूम दिखाने से पहले मैं आपको बाकी जो बाहर का एरिया है वो दिखाना चाहती हूँ। देखिए गाड़ी पार्किंग के लिए कितनी अच्छी जगह यहाँ पर बनाई हुई है, प्राइवेट पार्किंग है ये, तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पर गाड़ियों के लिए। और यहीं से पीछे अभी हम आपको जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, पूरा घाट है, तो गंगा जी के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ में यहाँ कुछ ऐसे मंदिर हैं, कुछ गुफा वाले मंदिर हैं, और जैसे भारत माता मंदिर मैंने आपको बताया, जो स्पेशली टूरिस्ट लोग देखने आते हैं, तो वो भी हम उसकी झलक भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो देखिए अग्रसेन आश्रम से ही बिल्कुल साथ में ये चित्रकूट अखंड आश्रम है, ये भी एक आश्रम है, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर भी है यहाँ पर, तो यहाँ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा है भोलेनाथ जी की, वाह, ओह बजरंगबली भी है। तो देखिए चित्रकूट में हमने इतनी जानकारी तो ले ली है कि वहाँ पर कमरे हैं, 108 कमरे हैं, और जो उनका रूम का रेंट है वो 600 रुपये से नॉन एसी कमरे शुरू हैं वहाँ पर। और लेकिन जगह बहुत सुंदर है, तो घूमने के लिए यहाँ पर इसी तरह से पूरा ये जो लाइन है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर, गुफा वाले मंदिर, तो वो आप देखने के लिए इवन पूरा दिन कम पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ जो हमें भी आपको कमरे दिखाने वाले हैं, 500 रुपये में एसी रूम यहाँ पर शुरू हैं, तो हम देखते हैं रूम्स कैसे आएंगे। देखिए एंट्रेंस पर ही दोनों साइड आपको ग्रीनरी दिखती है। और देखिए जैसा कि सभी आश्रम्स में रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ नियम लिखे हुए हैं, तो इनका पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ पर ऑफिस है, तो हम पहले ऑफिस में मिल लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर हैं यहाँ पर मिश्रा जी, और इन्हीं से बात करके हम लोग यहाँ पर आए हैं, और आज हमें ये विजिट करा रहे हैं। हम पहले विजिट कर लेते हैं, उसके बाद हम मिश्रा जी से भी बात करेंगे। जी। तो देखिए जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ पर जिस तरह से ये बना हुआ है, दोनों तरफ आपको रूम्स मिलते हैं, और इवन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, काफ़ी सारे रूम्स हैं यहाँ पर। आई थिंक 50 रूम्स के अराउंड हैं यहाँ पर, 50 रूम्स हैं, टू बेड, थ्री बेड, फोर बेड, सिक्स बेड्स। तो हम आपको कुछ कैटेगरीज दिखाते हैं, आइए। और देखिए सभी रूम्स के बाहर जो हमें ये स्पेस मिलता है, इवन समर्स में भी आप देखेंगे यहाँ फैन लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं होगी, क्योंकि ओपन एरिया है, पूरा वेंटिलेशन पूरा मिलता है आपको। और रूम्स देखिए, ये डबल बेड रूम है जो हम बात कर रहे हैं, 500 रुपीज़ में एसी रूम। देखिए एसी लगा हुआ है यहाँ पर, फैन भी है, और रूम मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि स्पेस भी है और नीट एंड क्लीन भी है।
जो सबसे ज़रूरी होता है। इवन टीवी भी है यहाँ पर, अटैच वॉशरूम के साथ सभी रूम्स आपको मिलते हैं, वार्डरोब भी है, मिरर दिया हुआ है। तो जनरली जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और देखिए विंटर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गीज़र, तो वो यहाँ पर लगा हुआ है। और देखिए पूरा ही एरिया, इवन बाहर का भी और रूम्स भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ सामने कैफेटेरिया है, तो यहाँ पर आप अपना मील लेते हैं, लेकिन अभी ड्यू टू कोविड इन्होंने ये सर्विस दोबारा से अभी शुरू नहीं की है। यात्री भी कुछ कम है, तो जल्दी ये शुरू हो जाएगी। और देखिए बहुत ही साफ़ सुथरा है ये भी। और देखिए अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3 bedded room, एक डबल बेड के साथ एक सिंगल बेड दिया हुआ है इन्होंने, तो 3 लोग इजीली यहाँ पर रह सकते हैं। और सेम यहाँ पर हमें टीवी दिख रहा है, एसी, इवन यहाँ पर स्प्लिट एसी है। और साथ में वार्डरोब के साथ आपको मिरर मिलता है। इसमें देखिए ये कंप्लीट एक अपार्टमेंट की तरह लग रहा है मुझे, क्योंकि जो वॉशरूम दिया हुआ है उसके लिए इन्होंने अलग से यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। एक तरफ वॉश बेसिन है और एक तरफ वॉशरूम है, और साथ में आपको गैलरी भी मिलती है। तो देखिए यहाँ से आप फ्रेश एयर भी ले सकते हैं। तो देखिए जो रूम मैंने अभी आपको 3 bedded दिखाया है, ये सिर्फ 200 रुपये इसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए, तो ये आपको 700 रुपये में मिलता है। और अभी मैं आपको 4 bedded room दिखाने वाली हूँ, जिसमें और 200 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो वो 900 में आपको 4 लोगों के लिए मिलता है। तो देखिए ये है वो 4 bedded room, जिसमें एक डबल बेड मिलता है आपको और 2 अलग-अलग सिंगल बेड है। जिस तरह से 4 बेड हैं तो यहाँ पर स्पेस भी ज़्यादा है, तो 2 रूम को इवन मिला के मुझे लगता है उतना स्पेस है यहाँ पर। लेकिन वॉशरूम एक ही है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन साथ में एसी रूम है, फैन लगा हुआ है, बाकी सभी एमिनिटीज सेम है। तो यहाँ पर देखिए अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमें आपको दिखानी रह गई हैं, क्योंकि अभी इनके पास 6 bedded room है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इनके पास कुछ हॉल हैं जहाँ पर पूरी जब बस आप लेकर आते हैं तो वहाँ पर क्या व्यवस्था है, इवन वो लोग अपना खुद से खाना भी बना सकते हैं, यूटेंसिल्स और गैस स्टोव्स ये प्रोवाइड कर देते हैं, क्या चार्जेस हैं और स्पेस भी उनके लिए देते हैं, सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम गंगा जी के दर्शन आपको कराते हैं। और देखिए ये प्राइवेट घाट है, महाराजा अग्रसेन घाट, तो बिल्कुल आश्रम के सामने ही है। हम सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं और कुछ सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी अब, और सामने हमें गंगा जी यहीं से दिख गई हैं। और देखिए कितना सुंदर घाट है ये, बहुत शांति है यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पूरा ये रास्ता जिस तरह से हम आए हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत शांति, दोनों तरफ पेड़ हमें दिख रहे हैं। और देखिए गंगा जी, फ्लो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा तेज़ लग रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ जैसे रुका हुआ पानी है तो आराम से आप यहाँ पर स्नान ले सकते हैं। और देखिए ये वही धारा है जो हमने पीछे आपको सप्तऋषि आश्रम दिखाया था, और यहीं पर हमने 1-2 आश्रम और भी आपको दिखाए हैं। ये 7 धाराएं मिलकर यहाँ पर गंगा जी में मिलती हैं, और यही धाराएं आगे जाती हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, इनफैक्ट पूरा ही आप देखेंगे माउंटेन्स, और जिस तरह से पूरा जंगल यहाँ दिख रहा है, और बीच में यहाँ पर ये धारा आपको गंगा जी की दिख रही है, बहुत खूबसूरत। तो देखिए हम आ गए हैं 1st floor पर, और 1st floor पर ही आपको ये इतना बड़ा हॉल मिलता है। फ़ैन यहाँ पर लगे हुए हैं, एसी नहीं है, कूलर दिया हुआ है बहुत बड़ा, पूरे हॉल को ठंडा करने के लिए काफ़ी बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर मुझे जिस तरह से फ़ैन यहाँ बहुत सारे लगाए हुए हैं, और छत की हाइट भी मुझे काफ़ी लग रही है, लगभग 20 फिट होगी ये। तो जब इतनी ऊंची छत होती है तो गर्मी वैसे भी कम ही लगती है, और इसके ऊपर भी क्योंकि एक फ्लोर है। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से साफ़ सफाई मुझे दिख रही है, जनरली आश्रम्स में हम लोगों को थोड़ा सा हाइजीन को लेकर लगता है ऐसा, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत साफ़ सफाई दिख रही है। मैट्रेस और ब्लैंकेट्स आपको मिल जाते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, बट पूरा हॉल अगर आप लेते हैं तो लगभग 50 से 60 लोग यहाँ पर अकोमोडेट होते हैं, 3100 रुपीज़ उसका चार्ज है, तो 3100 रुपये में 50 लोग 60 लोग यहाँ पर सो सकते हैं।
तो देखिए ग्रुप जब आता है तो वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उनके लिए अभी जो स्पेस है वो हम दिखाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको अभी कैफेटेरिया दिखाया है, वहाँ पे जब खाना शुरू ये करेंगे तो 80 रुपीज़ में थाली मिलती है, जिसमें आपको दो सब्जी, इवन राइस, रोटी और मतलब सब कुछ भरपेट खाना मिलता है आपको 80 रुपये में। और ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना बता रहे हैं, हमने खाया नहीं है, टेस्ट आप करके हमें बताएंगे। और आइए अब मैं आपको 6-bedded room दिखाती हूँ। ओके, ये देखिए, इसे हम 2-bedroom apartment कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो रूम हैं, जिसमें यहाँ एक फ्रंट में हमें डबल बेड मिल रहा है। इवन बेड देखिए आप, बेड का जो स्टाइल है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सारे रूम्स में इसी तरह के बेड्स हैं। तो यहाँ पर एसी है, इसके साथ अटैच वॉशरूम है। और देखिए ये अंदर हमें एक दूसरा रूम मिलता है, काफ़ी बड़ा रूम है ये भी। और आपको यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए दो अटैच वॉशरूम मिल गए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो 6 लोगों के लिए 2 वॉशरूम्स होने एटलीस्ट ज़रूरी भी हैं। देखिए लिनन अगर आप देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, स्पॉटलेस वाइट कलर में। ये खासियत होती है कि हमें गंदा होता है तो गंदा दिखता है, पर यहाँ पर साफ है इसलिए साफ ही दिख रहा है। तो देखिए 6-bedded room आपको मिल रहा है 6 लोगों के लिए सिर्फ 1200 रुपये में। मुझे लगता है कि एसी रूम 1200 रुपये में 6 लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हम अब आ गए हैं 2nd floor पर, 1 floor और ऊपर। और यहाँ पर आपको 2 एरिया मिलते हैं, ये ओपन स्पेस है, अगर आप यहाँ पर कोई बड़ा सत्संग या कुछ इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हलवाई वगैरह आराम से बैठ सकते हैं। और देखिए ये अंदर का एरिया है, इट्स लाइक अ डाइनिंग एरिया, तो यहाँ पर टेबल्स लग जाती है और खाना लाइक अ बुफे जैसे हम लगाते हैं, तो यहाँ सेटअप हो जाता है, तो यहाँ इजीली आप खा सकते हैं बैठकर, खड़े होकर। और ये देखिए कितनी बड़ी छत आपको मिलती है, इनफैक्ट यहाँ तो है ही, इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी एरिया है। तो सर्दियों में अगर आपको खुली धूप के मज़े लेने हैं तो यहाँ आप बैठ सकते हैं, और वैसे भी फ्रेश एयर तो चाहिए ही होती है। साथ में जो नज़ारा है, देखिए माउंटेन्स यहाँ दिख रहे हैं और बहुत सुंदर, क्योंकि मंदिर आसपास हैं तो बहुत अच्छा वातावरण अपने आप में बन जाता है। सर रूम्स हमने सारे देख लिए हैं, बहुत ही अच्छे रूम्स हैं आपके। और इवन जो बहुत ही नॉर्मल चार्जेस की अगर हम बात करें तो 500 रुपये में एसी रूम मिलना, एसी रूम मिलना, हाँ अच्छा है। लेकिन खाने की जो व्यवस्था है एक बार उसके बारे में हमें बताइए। खाने की व्यवस्था क्या, अभी कोविड की वजह से बंद हो गई थी जी, अभी तब से लेके अभी बंद, अभी फिर थोड़ा बहुत चालू किया था, फिर वैसे हो गया, स्टाफ बुलाना पड़ेगा। अच्छा। इसलिए अभी ना चालू करके अगले साल से चालू करेंगे किचन की व्यवस्था। अच्छा। बाकी यहाँ जो किचन की व्यवस्था हमारी चलती है वो चलती है, हम खाने का 80 रुपये थाली लेते हैं जी। उसमें 2 सब्जी, दाल, रोटी, चावल, अचार, पापड़, रायता, सलाद, भरपेट भोजन अनलिमिटेड होता है, कोई 1 रोटी खाए चाहे 10 रोटी खाए, 80 रुपये थाली लेते हैं जी। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने देखा है ज़्यादातर आश्रम्स में और धर्मशालाओं में सिंगल पर्सन की एंट्री पे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ये होता है ना भाई, सिंगल पर्सन ये होता है कि वो आदमी कैसा है, घर से भाग करके आया है, घर से दुखी होकर के आया है ना। अच्छा। ये सब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई जानकारी में है, अब जैसे आप किसी को जानते हो, आप किसी को सजेशन करें कि भाई ये आ रहे हैं इनको आप कमरा दे देना, हम जानते हैं तो दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आईडी होती है। अच्छा। देखते ठीक ठाक है तो दे देते हैं। पर जो चार्ज हमारा है डबल बेड कमरे का 500 रुपये है, पर उस एक आदमी हो तो दो आदमी तो चार्ज भाई 500 रुपये लगता है। पर जैसे कोई मान लो लेडीज आ गई, इस तरह से आ गई, क्या पता हम लोग भी नहीं जानते भी घर से कैसे आई है ना, तो इसलिए उस चीज़ों से बचने के लिए हर एक आदमी तकरीबन मना ही कर देता है, या तो फिर कोई जानकारी हो तो दे देते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल पड़ती है। जिस तरह से हमने हॉल जो देखा है जहाँ पर पूरा ग्रुप रुकता है तो वो उसके चार्जेस 3100 रुपये, क्या क्या मिलता है? 3100 से दरी देते हैं, गद्दा देते हैं, मतलब पूरा बिछाव। अच्छा। देते हैं, हर एक बिस्तर देते हैं, गद्दा, तकिया, चद्दर, कम्बल, हाँ उसी में इंक्लूड कर देते हैं 3100 रुपये का। अच्छा। जी, अब जैसे कोई कथा वगैरह होती है उसमें भी पूरा हम बिछा करके देते हैं, भागवत कथा भी होती रहती है उसमें, तो पूरा उसमें बिछा कर खाने की व्यवस्था, जैसे कोई कथा वगैरह होती है वो अपन ऊपर बनाने की व्यवस्था भी है, अगर उनके पास अपनी व्यवस्था तो हमारे पास ऊपर किचन है, डाइनिंग हॉल बना हुआ, सारी व्यवस्था वहाँ पे तो रहती है। गैस स्टोव वगैरह, हाँ वो गैस वगैरह चाहिए जो चाहिए वो यहाँ से मंगवा देते हैं, उनका कॉस्ट जो होता है उन्हें देना पड़ता है, बाकी जो खाली सिलेंडर है, खाली भट्टी, ये हम यहाँ से करवा देते हैं। और देखिए जनरली आश्रम्स में मैंने ड्राइवर्स के लिए सुविधा नहीं देखी है, कमी होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कॉमन हॉल है जिसमें ड्राइवर्स के जी, लिए बेडिंग देते हैं, बिस्तर वगैरह लगा हुआ है। हाँ जी। उसमें ड्राइवर भी सोते हैं, कोई इस तरह से पर्सन आ जाता है कि मान लो कई लोग होते हैं परेशान है कि मेरी तो जेब कट गई जी, या मेरे पास पैसे नहीं है, रात पे रुकना है जी। तो उनको भी निःशुल्क हम उसमें रुकने की व्यवस्था दे देते हैं। देखिए बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, ये जटाएं दिख रही हैं हमें बरगद की, इवन पीपल का पेड़ भी वहाँ मुझे दिखा।
पूरे ही रास्ते में ये दोनों तरफ पेड़ दिख रहे हैं, बहुत शांति है यहाँ पर। यहाँ आकर आप घंटों बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और क्योंकि गंगा जी का घाट भी है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमने आपको दिया है। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो यहाँ पर आप रह सकते हैं, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इवन घूमने की कितनी सारी जगह है यहाँ पर, तो आप आराम से 2 से 3 दिन यहाँ पर बिता सकते हैं। तो इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ, ऑप्शंस लेते रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे।